आज फरीदाबाद में यातायात जागरूकता रैली निकाली गई। इसी बीच पुलिस महानिदेशक कार्यालय के निर्देशानुसार पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद में पुलिस फ्लैग डे के अवसर पर 21 से 31 अक्टूबर 2021 तक अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज फरीदाबाद में पुलिस द्वारा यातायात जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इसके लिए फरीदाबाद पुलिस सभी टू व्हीलर स्कूटी और राइडर पुलिस लाइन में सुबह 7 बजे इकट्ठे हुई, जहां से ट्रैफिक पुलिस उपायुक्त सुरेश हुड्डा उन्हें हरी झंडी दिखाकर अपने अपने जोन में नागरिकों को यातायात के प्रति जागरूक करने के लिए रवाना किया। इसके साथ ही तीनों जोनों में पुलिस बैंड प्रस्तुति का आयोजन भी किया गया, जिसमें देशभक्ति से ओत प्रोत धुन बजाई गई। यह बैंड प्रस्तुति कार्यक्रम सेक्टर 12 स्थित टाउन पार्क, NIT स्थित रोज गार्डन और बल्लभगढ़ नाहर सिंह पार्क में किया गया। मनाया जा रहा है, तो इसके दौरान ये बैंड की प्रस्तुति है, फरीदाबाद में 4 जगह पर की जाएगी। तो इसमें पुलिस लाइन में हमने बैंड की प्रस्तुति सुबह दी और अभी पार्क में, और उसके बाद रोज गार्डन है, उसके बाद नाहर सिंह पार्क। पुलिस और जनता के बीच में आपसी जो वैचारिक कह सकते हैं हम, समरसता स्थापित करने की एक ये प्रयास। बल्लभगढ़ से जितेंद्र बेनीवाल की रिपोर्ट।